हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड रेगुलेशन एंड इट्स चेक पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम कम्प्लीटली सेल साइकिल रेगुलेशन देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है ना, और किस प्रकार से चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये चेक पॉइंट आपके कहाँ कहाँ पर लगे हुए होते हैं, तो वो सारी की सारी बात हम करने वाले हैं। हो सकता है लेक्चर आपका लंबा जाए क्योंकि हम इसमें पाँच आपके पाथवे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी पाँच पाथवे आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आपका जो क्वेश्चन है वो CSIR का हो, DVT का हो, ICMR का हो, गेट का हो या फिर नीट का हो, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो हैं सॉल्व होने वाले हैं। तो आप जो है अपने कानों में एयरफोन डालो और जो है लेक्चर देखना स्टार्ट करो। तो देखो, सेल साइकिल को मैं आपको बता चुका हूँ इससे पिछले लेक्चर में, जो कि है आपका लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32। अगर नहीं देखा तो सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर नंबर 31 एंड लेक्चर नंबर 32 देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में बेसिक टू एडवांस बता रखा है। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, वो सारे के सारे मैंने वहाँ पर बता रखा है, ठीक है ना। आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे जम कर रहे हो तो देखो, इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड होती है इस टॉपिक के लिए और यूट्यूब पर ये कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है। किसी ने थोड़ा पढ़ा रखा है, किसी ने ये टॉपिक कम्प्लीटली भी नहीं पढ़ा रखा। एक्चुअली मैं कहूँगा कि अगर मैं मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपका जो है क्वेश्चन के हिसाब से 30% भी YouTube पर कवर नहीं करवा रखा है ये टॉपिक। तो आज ऐसा नहीं होने वाला है, हम 100% इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। देखो, इस टॉपिक में आपको मैं एक थोड़ी सी आपके हिसाब से एक स्टोरी भी डालने वाला हूँ, जिससे कि आपकी समझ में ये टॉपिक्स आ जाए, ठीक है ना, जिससे कि ये टॉपिक आपको आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, अब ऐसा होता है ना कि बच्चे जो है, अगर मैं डायरेक्ट बता दूं कि आपको इस ये चेक पॉइंट पाए जाते हैं, इस प्रकार से रेगुलेशन होता है, दैट्स ऑल, तो बच्चे क्या होंगे थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी दिनों में आप भूल जाओगे। बट अगर मैं यहाँ पर एक स्टोरी बनाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेकर के चलता हूँ, तो इसमें भी हम सेम करने वाले हैं कि आपका बेसिक टू एडवांस लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक बात समझो कि मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में आपकी माइटोसिस साइकिल क्या होती है, मियोसिस साइकिल क्या होती है, वो सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका जिक्र कर देता हूँ कि आपकी जो सेल साइकिल है उसको हम बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग में कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका इंटरमीडिएट फेज, एक कौन सा होता है आपका इंटरमीडिएट फेज, एंड दूसरा होता है आपका एम फेज, ठीक है ना। क्या कहने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक होता है आपका इंटर फेज, पहला कौन सा होता है आपका इंटर फेज, एंड दूसरा होता है आपका एम फेज, दूसरा कौन सा होता है आपका एम फेज। अब यहाँ पर होता है क्या है कि जो आपका एम फेज होता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम डिवीजन फेज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिवीजन फेज। यहाँ पर आपका जो सेल होता है, एक सेल दो सेल में आपका बट जाता है, यानी कि एक सेल आपका दो सेल में डिवाइड हो जाता है। और ये किस प्रकार से होता है तो मैं इससे पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इंटरफेज जो होता है आपका, यहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ पर DNA का डुप्लीकेशन होगा, यहाँ पर आपकी सारी प्रोटीन बनने वाली है, ठीक है ना। जितनी भी प्रोटीन आपको इस एम फेज के लिए चाहिए होती है, वे सारी की सारी प्रोटीन आपकी इंटरफेज में बन जाती हैं। तो इसलिए हम इस इंटरफेज को प्रिपेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, याद रख लेना, इस इंटरफेज को हम प्रिपेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रिपेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि देखो, ऐसा होता है ना कि आपका जो इंटरफेज होता है उसी में ही आपकी सारी की सारी प्रोटीन बन जाती है, एक दो छोड़कर, एक्सेप्शन हर जगह प्रेजेंट होता है, तो एक दो प्रोटीन को छोड़कर के आपकी सारी की सारी प्रोटीन इंटरफेज में बन जाती है। तो याद रख लेना, हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया है कि आपके एम फेज में कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाती, तो याद रख लेना कि एम फेज जो होता है यहाँ पर किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता, एक्सेप्शन हर जगह है। तो बट आपको आपको सही मायनों में यही करना है, यही टिक लगा करना है कि आपके जो एम फेज है
वहाँ पर आपका किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो सकता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये अपने पल्ले बांध लेना इस बात को। चलो अगर आपने इतनी बात पल्ले बांध ली है तो अब चलते हैं इंटरफेज में। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज को हम बेसिकली तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी फेज हो सकती है? G1 फेज हो सकती है आपकी, एंड आपकी इसके बाद मैंने बताया था कि S फेज हो सकती है, इसके बाद G2 फेज के बारे में हमने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो G1 फेज होती है इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, यानी कि जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी G1 फेज में होता है। तीसरी बात, जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत इस एस फेज को चाहिए होती है वे सारी की सारी प्रोटीन G1 फेज में आपकी बन जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है एस फेज की, जिसको हम सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आपका DNA का डुप्लीकेशन होता है। तो एस फेज में आपके DNA का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी आती है G2 फेज की, तो G2 में वे सारी की सारी प्रोटीन बनेगी जो भी आपको M फेज के लिए चाहिए होती है। स्पेसिफिकली याद रख लेना कि आपका जो एस फेज होता है यहाँ पर आपकी हिस्टोन प्रोटीन बनती है, यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन आपकी बनती है। G1 में आपके सारे के सारे, याद रख लेना जो मैं कह रहा हूँ, G1 में आपके सारे के सारे ओरिजिनल बन करके यानी कि डुप्लीकेट हो जाते हैं, सारे के सारे ओरिजिनल एक्सेप्ट माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एक्सेप्ट माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं वे आपके डुप्लीकेट कहाँ पर होते हैं, G2 फेज में। G2 फेज में आपकी एक और प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि आपका G2 फेज में ही बनती है। अब इस ट्यूबुलिन प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ये स्पिंडल फाइबर को का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, स्पिंडल, उनको अपरेटस भी बोल देते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर G1 में अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेगुलेशन करेंगे इनका। तो रेगुलेशन करने के लिए मतलब देखो अब ऐसा है ना कि आपको ये एरिया ले लो, वहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ को रेगुलेट करना है तो आप पुलिस बनाओ, पुलिस लगाओगे ना वहाँ पर, जगह जगह पुलिस की चौकी लगाओगे, ठीक है ना, यानी कि पुलिस को वहाँ पर तैनात करोगे। या फिर आप किसी कोई रोड देखते हो, रोड पर आपको पुलिस वाले खड़े हुए मिलते हैं, वे क्या देखते हैं कि कहीं पर कुछ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं हो रही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो एक प्रकार से वे चेक पॉइंट का काम करते हैं। तो सेम क्या होने वाला है कि आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है ना। प्रोटीन आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो वे प्रोटीन क्या करती हैं, वे प्रोटीन असल में देखती हैं कि एक्चुअल में आपका जिस फेज में जो भी काम होने वाला था वो सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर सही से हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपना जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देती है, अगर सही से काम नहीं हो रहा होता तो उसको स्टॉप करती हैं, उसको फिर प्रोसेस को सही करती हैं, ठीक है ना। और अगर प्रोसेस ठीक होता है तो सही है, नहीं प्रोसेस ठीक होता तो आपका सेल के अपोप्टोसिस के लिए इसको भेज देती हैं, यानी कि सेल की अपोप्टोसिस के लिए भेज देती है। अपोप्टोसिस क्या होता है कि एक प्रकार से सेल को, सेल का डिस्ट्रक्शन के लिए ये सूचना जो है भेज देती है। और इसके बाद क्या होने वाला होता है कि पूरा का पूरा सेल आकर के आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। तो चेक पॉइंट का काम क्या है कि आपका इस सेल साइकिल में देखना कि आपका जो है सही तरीके से G1 फेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, S फेज में, G2 फेज में, M फेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर आपकी अलग अलग प्रोटीन होती है, G1 में अलग रहेगी, S में अलग रहेगी, G2 में अलग रहेगी, M2 में अलग रहेगी, अलग अलग प्रोटीन होती हैं जो कि आपका, जो कि इनको रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो उस बात को आप समझो। अब देखो क्या होता है, अब मैंने ये तो बताया आपको इंटरफेज, इसके बाद जो M फेज होती है मैंने आपको बताया था कि M फेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है आपकी कैरियोकाइनेसिस, पहली होती है आपकी कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरी होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। दूसरी कौन सी होती है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, यहाँ पर डुप्लीकेशन, यहाँ पर जो है डिवीजन होता है किसका, न्यूक्लियस का, इस बात को याद रख लेना। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन होगा किसका, आपका न्यूक्लियस का, जबकि जो साइटोकाइन, जो आपकी
साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में आपका क्या होता है, आपका जो है डिवाइडेशन होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ का डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पर डिवाइडेशन होगा आपका साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस में। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब आपको यहाँ तो पता लग गया कि भाई चलो G1 में देखेंगे, S में देखेंगे, G2 में देखेंगे, ठीक है ना। बट M फेज में हम कहाँ पर चेक पॉइंट लगाते हैं, तो एक बात और यहाँ पर लोकेशन याद रख लेना कि जब हम मेटाफेज टू एनाफेज जाते हैं, याद रख लेना मेटाफेज टू एनाफेज जाते हैं तब हमारा क्या होता है, चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट लगता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो इतनी बात मैं हालांकि आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, एक प्रकार से मैं आपको तैयार कर रहा था अपने जो है किसके लिए, इस लेक्चर के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि देखो भाई ऐसा होता है कि वैसे तो काफ़ी सारे एग्जांपल है, किसी शादी का ले लो या फिर घर में आपको कोई खाना बनना है उसका ले लो, तो किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हम खाने बनने का ले लेते हैं कि आपका जो है घर में कोई खाना बनना है, ठीक है ना। मान लो एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, फैमिली में कितने मेंबर हैं, फैमिली में आपके 6 मेंबर हैं, फैमिली में आपके 6 मेंबर हमने मान के चल लिए क्योंकि स्मॉल फैमिली है, सही फैमिली होती है, ठीक है ना। शॉर्ट फैमिली मतलब बढ़िया फैमिली होती है। अब यहाँ पर आपका जो है पर डे यही सिस्टम होता है कि भाई आज बताओ क्या बनना है, आज खाने में क्या बनना है। तो संडे का दिन आता है, सब घर पे थे संडे वाले दिन, तो सबसे पूछा जाता है कि भाई क्या बनना है, दाल बनाएं या फिर सब्ज़ी बनाएं, खाने में दाल होगी या फिर आपकी सब्ज़ी होगी, क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रकार से हमारा पहला पहला क्वेश्चन आ जाता है, पहला चेक पॉइंट आ जाता है कि भाई बताओ घर में दाल बनेगी या फिर आपके सब्ज़ी बनेगी। तो अब आपके 4 मेंबर तो राजी होते हैं किसके लिए, सब्जी के लिए, एंड 2 मेंबर राजी होते हैं आपके दाल के लिए। तो जीत किसकी होती है, सब्जी वाले की। तो यहाँ पर अब निर्णय ये लिया जाता है कि भाई आपकी सब्जी बनेगी, ठीक है ना, क्या बनेगी, वेजिटेबल बनेगी, यानी कि आपकी सब्जी बनने वाली है, ठीक है ना, आपकी सब्जी बनने वाली है। अब सब्जी बन ली, चलो भाई ये 2 भी राजी हो गए कि चलो यार कोई बात नहीं, दाल ना सब्जी सही, सब्जी खा लेते हैं। तो अब सब्जी बनाने के लिए भी आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले तो सब्जी मार्केट से ख़रीद के लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है ना, मार्केट से सब्जी खरीद के लेकर आनी पड़ेगी। अब मान लो मार्केट से आ गई सब्जी खरीद के, काफ़ी सारी सब्जी होती है, चलो तोरी ले ली हमने, ठीक है ना, कौन सी सब्जी आ गई आपकी, तोरी आ गई, ठीक है, तोरी आ गई आपकी, घेवा तो भी तोरी, घेवा वेवा काफ़ी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जिसको नहीं पता तोरी क्या होता है, वो एक वेजिटेबल कोई से भी अपने मन में जो है बना सकता है, ठीक है ना, कोई से भी वेजिटेबल। तो यहाँ पर तोरी आ गई। अब इस तोरी को क्या किया, जो मेंबर थे घर के मेंबर थे, तो 4 को तो ये तोरी पसंद थी बट 2 को ये तोरी पसंद नहीं थी खाने में, ठीक है ना। तो जो 2 मेंबर थे वे इनहिबिटरी की तरह काम कर रहे थे, 2 मेंबर कैसे काम कर रहे थे, इनहिबिटरी की तरह काम कर रहे थे, बट 4 क्या थे कि चलो यार इट्स ओके, ठीक है ना, पसंद है खा लेंगे अपना, यानी कि एक प्रकार से एक्टिवपन दिखा रहे थे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर एक्टिवनेस कर रहे थे कि चलो तोरी खा लेंगे। अब घर पे तोरी आ भी गई खरीदने के बाद, अब इस तोरी को ऐसा थोड़ा ना कि आपका बस तोरी मार्केट से आ गई डायरेक्ट आपके डाइनिंग टेबल पर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। अब इस तोरी को धुलने पर सबसे पहले धुलेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको जो है फ्राई वगैरह करेंगे, फ्राई करने के लिए अलग अलग मसाले चाहिए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी डाइनिंग टेबल पे ये रखी जाती है, यानी कि इस उसके बाद आपको आप इसको खाते हो। तो एक प्रकार से क्या होता है, स्टेप बाई स्टेप ही आपका चल रहा होता है काम, ठीक है ना। यानी कि आपकी सब्जी बनी, सब्जी बनने में देखो कितना सारा ड्रामा हो गया, सब्जी बनने में कितना सारा ड्रामा हो गया। तो यहाँ पर तो आपके 1 सेल से 2 सेल बनना है, तो आप देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा हड़कंप मचेगा, ठीक है ना, यहाँ पर कितना ज़्यादा हड़कंप मचेगा। यहाँ पर 2 ही इनहिबिटरी थे बट यहाँ पर तो अब आपके काफ़ी सारे इनहिबिटरी होने वाले हैं जो मना करेंगे कि भाई साहब ये सेल साइकिल को आगे मत बढ़ाओ, इसको यहीं पर रफा दफा करो, इसको यहीं पर आपका ख़त्म करो, ठीक है ना। तो फिर भी उसके बाद भी आपका सेल साइकिल चलती है, तो वही हमें देखना है कि किस प्रकार से आपका सेल साइकिल चल पाती है आगे, ठीक है ना। तो वन बाई वन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने थ्रू बता देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊँगा नहीं कोई चीज़ तब तक आप समझोगे कैसे।
तो देखो भाई साहब, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप आपकी एक सेल साइकिल, ठीक है ना। यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एक सेल साइकिल, एक मैंने बना दी यहाँ पर सेल, एक बना दी है मैंने यहाँ पर सेल साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको टाइमिंग वगैरह सब बता रखी है कि आपकी एक घंटे की जो फेज होती है उसको बोलते हैं एम फेज, उसको क्या बोलते हैं एम फेज, इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपकी आती है 11 आवर की G1 फेज, इसको क्या बोलेंगे G1 फेज। इसके बाद आपकी 8 घंटे की आती है एस फेज, ठीक है ना, 8 घंटे की आती है आपकी एस फेज। इसके बाद आती है आपकी G2 फेज जो कि आपकी 4 आवर की रहती है। अगर मैंने आपको परसेंटेज में भी निकालने को बोला था इनको, कि आप परसेंटेज में भी इनको निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर अब वैसे तो जब सेल डिवीजन करती हैं तो ऐसी कोई भी मतलब सेल कभी भी रुकती नहीं है, सेल साइकिल इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। सेल साइकिल इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको जो डिवाइड किया गया है वो हमारे समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आई होप आपको याद हों, नहीं याद हैं तो कम से कम इतना याद कर लो कि ये जो G1 साइकिल होती है यहाँ पर ग्रोथ होती है, सेल का साइज बढ़ता है। एस फेज जो होती है यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है DNA का। G2 में क्या होता है, यहाँ पर G2 में भी सारी की सारी प्रोटीन बनती है जो एम फेज को चाहिए होता है। और एम फेज में क्या होता है, आपका सेल का डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाती है। कम से कम आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इतनी बात पता चल हुआ आपको तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखो, एक तो चेक पॉइंट पाया जाएगा आपका G1 में, ठीक है ना। एक चेक पॉइंट पाया जाए, दूसरा चेक पॉइंट पाया जाएगा आपका जब हम G1 to S जाएंगे, यानी कि G1 से जब हम S की तरफ जाएंगे दूसरा चेक पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पर। तीसरा चेक पॉइंट आपका पाया जाएगा एस फेज में, तीसरा चेक पॉइंट आपका पाया जाएगा एस फेज में। नंबर 4 चेक पॉइंट आपका पाया जाएगा जब यहाँ पर आप S2G2 जाओगे, ठीक है ना, एस से G2 में एंटर करोगे, तब यहाँ पर एक चेक पॉइंट और पाया जाएगा। इसके बाद नंबर 5 आपका जो चेक पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा आपका, जब आप G2M जाओगे, कहाँ कब G2M जाओगे, ठीक है ना, G2M जाओगे। इसके बाद एक चेक पॉइंट मिलेगा आपको M फेज में, एक चेक पॉइंट मिलेगा आपको M फेज में। यहाँ पर कहाँ पर चेक पॉइंट मिलेगा, जब आप मेटाफेज टू एनाफेज जाते हो तो यहाँ पर आपको एक चेक पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब ये चेक पॉइंट असल में है क्या, तो ये एक टाइप की प्रोटीन है, एक टाइप की प्रोटीन है जिनको हम MPF, जिनको हम MPF के नाम से भी जानते हैं, याद रख लेना। MPF मतलब मैच्यूरेटिंग प्रमोटिंग फैक्टर, इनका आप फुल फॉर्म लिख लेना, मैच्यूरेटिंग प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा था कि लेक्चर जो है आपका लंबा हो जाएगा। मैच्यूरेटिंग प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक ना, प्रमोटिंग फैक्टर। देखो जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि मैच्यूरेशन हुआ प्रमोट कर देगा आगे, ठीक है ना। मैच्यूरेशन हुआ, मान लो G1 का मैच्यूरेशन हो गया, प्रमोट कर देगा आगे के लिए एस फेज के लिए। एस फेज में मैच्यूरेशन हुआ, आगे के लिए प्रमोट कर देगा G2 के लिए। G2 का मैच्यूरेशन हुआ, आगे के लिए प्रमोट कर देगा एम फेज के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो MPF को भी अब हम 2 भागों में बांट सकते हैं, MPF को भी 2 भागों में बांट सकते हैं कि 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। पहले का नाम होता है CDK, क्या नाम होता है CDK, एंड दूसरे का नाम होता है साइक्लिन। दूसरे का नाम क्या होता है साइक्लिन, दूसरे का नाम होता है आपका साइक्लिन, ठीक है ना। ये दोनों ही प्रोटीन आपकी MPF प्रोटीन कहलाती है। अब CDK क्या होती है, CDK की फुल फॉर्म होती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, लिख लेना इसको, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपकी होती है साइक्लिन। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। CDK क्या होता है, CDK एक कैटालाइटिक, याद रख लेना, CDK एक कैटालाइटिक प्रोटीन है। कैसी है, कैटालाइटिक प्रोटीन है,
यानी कि जो आपके रिएक्शन में कैटलाइज का काम करेगी, यानी कि असल में जो एक्चुअल फंक्शन करेगी वो रिएक्शन में कौन करेगी, वो करेगा आपका CDK, यानी कि असल में जो आपका काम करने वाला है कैटलाइज करेगा, कैटलाइटिक प्रॉपर्टी रखता है, वो रखता है CDK। इसके बाद जो साइक्लिन होती है, याद रख लेना, ये साइक्लिन आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन होती है। ये कैसी होती है, ये आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये कैसी है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। आप इसको एक प्रकार से ऐसा भी मान करके चल सकते हो कि जो कैटलाइज है ये एक्चुअल में फोर्स है। ये क्या है, एक्चुअल में आप आर्मी की फोर्स इसको कह सकते हो या फिर पुलिस की फोर्स इसको कह सकते हो, जो आपकी काम करती है, एक प्रकार से बटालियन है। रेगुलेटरी क्या है, रेगुलेटरी आपका इंफॉर्मेटिव है, ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ भाई उस जगह खतरा है, तो ये जो रेगुलेटरी है ये इसको एक्टिव करता है, यानी कि इसको आकर के बताता है। जो रेगुलेटरी है वो कैटलाइट को एक्टिव करता है, यानी कि इसको आकर के बताएगा कि देखो भाई साहब उस जगह पे प्रॉब्लम है, या फिर उस जगह पे वो काम होने वाला है, तो तुम जो है वो काम कर दो। यानी कि साइक्लिन जो है वो अब कैटालाइटिक कर रही है साइक्लिक जो है किसको एक्टिव करेगी, तो साइक्लिक एक्टिव करेगी आपका इस CDK को, ठीक है ना, साइक्लिक एक्टिव करेगी CDK को। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब भाई साहब कुछ और बात समझो, जो CDK होता है ये हर समय आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एवरी टाइम चाहे आपकी सेल डिवीजन कर रही हो, चाहे आपकी सेल ग्रोथ कर रही हो, डुप्लीकेशन कर रही हो, या फिर कुछ और काम कर रही हो, तो ये CDK आपकी सेल में प्रेजेंट होता है। बट इसकी अब दो फॉर्म होती हैं, एक फॉर्म तो होती है इनएक्टिव, एक फॉर्म क्या होती है इनएक्टिव, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में रहता है, यानी कि जब ये कोई सा भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। दूसरी फॉर्म इसकी एक्टिव आ जाती है, और ये एक्चुअल में एक्टिव क्या होता है, जब इसको ये जो आपका साइक्लिन है ये बताएगी कि भाई साहब अब तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है ना, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, तो तब जा कर के ये CDK जो है एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो साइक्लिन होती है, साइक्लिन की भी दो प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब ये सेल में आपका हमेशा प्रेजेंट नहीं होती, सेल में हमेशा प्रेजेंट नहीं होती, तो इस साइक्लिन की सिंथेसिस होती रहती है एंड आपका जो है डिस्ट्रक्शन होता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो भाई साहब इस जीवन फेज में जो भी आपकी साइक्लिन पाई जाएगी वो साइक्लिन केवल जीवन फेज में पाई जाएगी, जबकि जीवन में आपका सारे के सारे CDK प्रेजेंट होंगे, बट एक्टिव वही होगा आपका जिसके लिए ये साइक्लिन बनेगी, जिस साइकिल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि यहाँ पर साइक्लिन की सिंथेसिस होती है, याद रख लेना, यहाँ पर साइक्लिन की क्या होगी, साइक्लिन की आपकी सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। और सिंथेसिस होने के बाद ये जैसे ही इसको एक्टिव करता है ये डिस्ट्रक्शन के लिए चला जाता है, यानी कि ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हर साइकिल के लिए, हर स्टेप के लिए इसका जो है अलग अलग साइक्लिन का नाम होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की साइक्लिन प्रोटीन आपकी पाई जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब बात करते हैं हम कुछ और, कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपके कौन कौन से CDK पाए जाते हैं एंड कौन कौन सी आपकी साइक्लिन पाई जाती है, तो आप जो है याद रख लेना। तो सबसे पहले अब चलो बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर CDK की, ठीक है ना, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपकी इच्छा है आप CDK की ना करके, देखो CDK तो आपके यहाँ पर प्रत्येक CDK पाए जाएंगे, ठीक है ना, प्रत्येक CDK पाए जाएंगे, बट कौन सा साइक्लिन पाया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है कौन सा CDK यहाँ पर एक्टिव होने वाला है। तो जो जीवन होता है, जीवन में अब देखो साइक्लिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको CYC से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है ना, आप जो है इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर जीवन में आपका कौन सा पाया जाएगा, साइक्लिन डी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, साइक्लिन डी यहाँ पर पाया जाता है। और ये साइक्लिन डी आपका तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना, साइक्लिन डी तीन प्रकार का होता है, D1 D2
डी टू एंड आपका डी थ्री, ठीक है ना, डी वन डी टू एंड डी थ्री, इतनी बात याद रख लेना। अब ये साइक्लिन डी किस सी डी के को एक्टिव करता है, तो ये भी याद रख लेना, सी डी के या तो फोर हो या फिर सिक्स हो, या तो फोर हो या फिर सिक्स हो, तो ये आपका पाया जाएगा जी वन फेज में, ठीक है ना, ये कहाँ पर पाया जा रहा है आपका जी वन फेज में पाया जा रहा है। अच्छा एक बात और समझो कि भाई साहब देखो, जहाँ पर आपका ये जी वन से एस फेज में जा रहा है, या फिर एस एस फेज से आपका जी टू फेज में जाएगा, या फिर जी टू टू एम फेज में जाने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपका एस फेज से जी वन फेज में जा रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे ट्रांजिशन चेक पॉइंट, जबकि जो आपका जीवन में पाया जा रहा है उसको हम ट्रांजिशन नहीं बोल सकते। ट्रांजिशन यानी कि यहाँ पर ट्रांस, यानी यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, एक मतलब यहाँ पर एक से एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है, इसलिए इसको बोला ट्रांसजिशन, ट्रांसजिशन चेक पॉइंट, ठीक है ना, क्या बोला ट्रांसजिशन चेक पॉइंट बोला। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर जो है जी वन एस फेज में कौन सी साइक्लिन आपकी पाई जाएगी, कौन सी साइक्लिन पाई जाएगी, तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका साइक्लिन, अब मैं सीली लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, साइक्लिन ई, ठीक ना, कौन सी पाई जाएगी, साइक्लिन ई। और ये जो साइक्लिन ई होती है ये आपके किसको याद रख लेना, किसको आपका जो है क्या करने वाली है एक्ट, कौन से सी डी के को एक्टिव करेगी, तो सी डी के टू को, किसको करेगी, सी डी के, सी डी के टू को करने वाली है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक एस फेज में बताई थी, यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपका जो साइक्लिन ए है, याद रख लेना कौन सी साइक्लिन ए है, वो आपको मिलेगी। और ये जो साइक्लिन ए है ये भी इस एस फेज में, याद रख लेना एस फेज में अगर ये पाई जाती है तो यहाँ पर भी ये किसको करेगी, ये करेगी सी डी के टू को, ठीक है ना, किसको करेगी सी डी के टू को। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम चलते हैं जब ट्रांजिशन होता है एस टू जी टू फेज, जब ट्रांजिशन आपका कहाँ पर होगा एस टू टू जी टू फेज आएगा, इसका मैं अभी आपको एक निमोनिक्स बता दूंगा जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हो, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जब आपका जी टू फेज आएगी तो यहाँ पर आपका जो साइक्लिक है वो कौन सी साइक्लिक काम करेगी, साइक्लिक ए, कौन सी साइक्लिक, साइक्लिन ए, ठीक है ना, साइक्लिन ए। इसके बाद जो आपका सी डी के होगा, याद रख लेना यहाँ पर सी डी के वन आने वाला है, कौन सा सी डी के वन, सी डी के वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। जी टू फेज में इन बिटवीन कोई सी साइकिल नहीं पाई जाती क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट फोर आर का पाया जाता है और इसमें इतना कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। बट जी टू टू एम फेज, जी टू टू एम फेज जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपकी कौन सी साइक्लिन पाई जाने वाली है, तो यहाँ पर आपकी साइक्लिन बी पाई जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी साइक्लिन बी पाई जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो साइक्लिन वी होती है ये आपका सी डी के, याद रख लेना सी डी के वन को यहाँ पर एक्टिव करेगी, ये किसको एक्टिव करेगी, सी डी के वन को यहाँ पर एक्टिव करेगी। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो साइक्लिन वी होती है ना, ये जो साइक्लिन वी है ये आपकी एम फेज तक बनी हुई रहती है, ये साइक्लिक आपकी एम फेज तक बनी हुई रहती है। इसके बाद आपकी मेटा टू एना फेज के लिए ए पी सी, ठीक है ना, कौन सी ए पी सी, ए पी सी आपकी जो है वो चेक पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना, एना फेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ए पी सी की फुल फॉर्म लिख लेना एना फेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर आपको कहीं ना कहीं आगे मिल जाएगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आगे आपको मिल जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, जैसे कि ये सी डी के है, ए पी सी है, और आगे आने वाली आपको काफ़ी सारे जो है ऐसी टर्मिनोलॉजी मिलेगी जिनको आपको जो है वो आप पूछोगे कि सर इनकी जो है फुल फॉर्म क्या है, तो मैं उनकी फुल फॉर्म आपको आगे मतलब लिख दूंगा सबके, ठीक है ना, जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी, तो वरी करने की कोई ज़रूरत है नहीं।
तो अब आपको देखो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये साइक्लिक तो आपकी तब पाई जा रही है जब सब चीज़ सही चल रहा है, जब सब चीज़ राजी राजी है, ठीक है ना। यानी कि G1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, S में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, G2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, M फेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपकी ये साइक्लिक एंड आपका जो है CDK एक्टिव हो रहे हैं। बट क्या हो अगर आपकी जीवन में जो है आपका जो है जीवन में कुछ खराबी आ जाए, जीवन में जो आपका DNA है वो म्यूटेशन हो जाए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अब आपकी कुछ प्रोटीन काम करने वाली है, ठीक है ना। जैसे कि जिनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिनको हम CDK काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन भी बोल सकते हैं, CKI भी बोल सकते हैं, या फिर CDK एक्टिवेटिंग, आपका CDK एक्टिवेटिंग इनहिबिटरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आपको देखो वैसे तो काफ़ी सारी प्रोटीन होती हैं, बट यहाँ पर आपने सुना होगा P27, P57, P51, P21, P16, इस प्रकार की आपकी प्रोटीन आ जाती हैं। अगर जीवन में इन प्रोटीन को कुछ भी खराबी मिली तो ये प्रोटीन तुरंत आएगी और इस जो आपका CDK4/6 एक्टिव हुआ है इसको तुरंत क्या कर देगी, इनएक्टिव कर देगी, ठीक है ना, इसको तुरंत इनएक्टिव कर देगी। अगर सेल आपकी सही हो जाती है, यानी कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन में जो एरर आया है अगर वो सही हो जाता है तब ये साइकिल आगे को बढ़ जाएगी, अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तब ये अपोप्टोसिस के लिए चली जाएगी, ठीक है ना। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये अपोप्टोसिस के लिए चली जाएगी। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर केवल और केवल P21, P16 ही काम करती है, यहाँ पर आपकी आपको और भी काफ़ी सारी प्रोटीन होती हैं। देखो ये जो ये आपको सिंबल मिलेगा ना इस प्रकार का, तो ये सिंबल होता है आपका इनहिबिटरी का, ठीक है ना। और भी प्रोटीन होती है जैसे कि आपकी V1, ठीक है ना, कौन सी V1 भी यहाँ पर इनहिबिटरी का काम करती है। इसके बाद INC4, ठीक है ना, याद रख लेना INC4। और ये इनहिबिटरी देखो अब आपको काफ़ी सारे इनहिबिटर इस G1 फेज में मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई साहब G1 के अंदर जो आपका क्रोमेटीन पाया जा रहा है, मैंने आपको बताया था G1 के अंदर क्रोमेटीन पाया जाएगा, क्योंकि इस क्रोमेटीन के अंदर कोई एरर ना आए, कोई म्यूटेशन ना आए, इसलिए क्योंकि ये अब जाने वाला है आपका S फेज के लिए। और ये जब S फेज में आपका जाएगा तो आपका इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाय चांस यहाँ पर कोई एरर आपका इस जगह पर आ जाता है, तो यहाँ पर जब ये जो क्रोमेटीन है जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो वो अब आपका आगे चलता चला जाएगा, ठीक है ना, आगे चलता चला जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो CDK4/6 है वो आपको आगे कहीं पर नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, वो कहीं पर नहीं मिलने वाला है। जो काम आपका इस फेज में हो जाएगा वो आपका काम G2 फेज में नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे इनहिबिटर आते हैं जो इस सेल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं अगर किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हुआ तो। इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो भाई साहब उससे भी अच्छी बात है, ठीक है ना, उससे भी अच्छी बात है। अब देखो अब आप कहोगे कि सर एक बात तो बताओ हमें, आप तो आगे ही बढ़ रहे हो, आप तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, अब ये बताओ अगर P27, P57 या फिर इनमें से कोई सा भी जो इनहिबिटर आया था, अब इनहिबिटर आ तो गया, उसने सेल को स्टॉप कर दिया, सेल साइकिल रुक गई, और फिर आपका म्यूटेशन एरर जो ATM, ATR, ATX होता है, ठीक है ना, अब ये ATM, ATR, ATX क्या होते हैं तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जहाँ पर हम देखेंगे सिंगल स्टैंड, जो आपका सिंगल स्टैंड में अगर जो म्यूटेशन सिंगल स्टैंड में हुआ है तो उसको किस प्रकार से आपका ठीक किया जाता है, अगर आपका डबल स्टैंड DNA में म्यूटेशन हुआ तो किस प्रकार से ठीक किया जाता है, या फिर किसी भी आपके जो DNA है उसके एंड पर म्यूटेशन हुआ है उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर मान लो यहाँ पर G1 में जो है हमारा म्यूटेशन जो हुआ था वो अब सही हो गया, वो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर सही हो गया, तो अब ये साइकिल दोबारा से किस प्रकार से जाएंगी, तो उसके लिए भी प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन फिर फर्दर इन प्रोटीन को, जो प्रोटीन यहाँ पर लगी हुई है इन प्रोटीन को क्या करेगी, इन प्रोटीन का वो कर देगी आपका ब्रेकडाउन। ऐसी कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं,
तो ऐसी काफ़ी सारी प्रोटीन होती है जैसे CDC25A, CDC25C, इसके बाद भी आपकी जैसे CDH1 होती है, काफ़ी सारी प्रोटीन होती है जो कि आगे लिखी हुई है। ये प्रोटीन देखो भाई आपको याद करनी पड़ेगी, आपको जो है प्रोटीन याद करनी पड़ेगी। अब मैं इनका फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है? तो इतनी बात आई होप अभी तक आपके समझ में आई होगी। मुझे पता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके तो खैर सिर के ऊपर से जा रही होगी, बट गाइज यही आपका आता है। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, अब आप किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, अब आप काफ़ी बड़ी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, अब आप काफ़ी बड़ी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ जो कि आपको जो है जानना है। तो यहाँ पर मैं आपकी फेज लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपकी फेज लिख देता हूँ, फेज यहाँ पर मैं आपका साइक्लिन लिख देता हूँ, साइक्लिन साइक्लिन। हो सकता है स्पेलिंग जो है आपकी गलत हो जाए, बट स्पेलिंग पर देखो भाई इतना ध्यान मत देना क्योंकि इतना हाई फाई तो मैं भी नहीं हूँ, बट इतना है कि मैं अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा सकता हूँ, ठीक है ना? तो मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है? कभी कोई सीरियस ले ले और भाई साहब आ जाए कि भाई साहब हमारे साथ कंपटीशन करो, फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो चूंकि मुझे भाई साहब एक काम नहीं, मुझे काफ़ी सारे काम होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए कोई आना मत अब कंपेयर करने के लिए, कभी यहाँ से पता चल रहा है कि हारता हुआ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलना भाई मेरा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर आपकी फेज है, जैसे कि मैं अगर G1 फेज की बात करूँ तो G1 फेज में मैंने किसको बताया था कौन सी साइकिल आने वाली है, तो यहाँ पर आएगी आपकी डी, ठीक है ना? डी इसके लिए जो आपकी साइक्लिन आने वाली है कौन सी आएगी, 6-4, ठीक है ना? 6 या फिर 4, इतनी बात पता चली। फिर आपके दूसरे नंबर की G12S, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ई, यहाँ पर मैंने क्या बताया था ई, एंड ये जो आपकी साइक्लिन आने वाला, सॉरी CD के आने वाला है, CD के कौन सा आने वाला है आपका, 2, ठीक है ना? यहाँ पर आने वाला है 2। इसके बाद आपका आता है एस फेज, एस फेज में आपका क्या आता है, ए। एस फेज में आपका आपका आता है ए, और यहाँ पर आपका CDK भी आने वाला है 2, ठीक ना? CDK आने वाला है आपका 2। इसके बाद आपके आती है जो है S2 G2 फेज, यहाँ पर भी आपका आने वाला है ए, ठीक है ना? यहाँ पर भी आने वाला है ए, बट यहाँ पर CDK आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना? CDK कौन सा आ जाएगा, 1। इसके बाद आपका जो है G22M फेज आने वाली है, ठीक है ना? G22M फेज आने वाली है, यहाँ पर साइक्लिन हो जाएगी आपकी V, एंड आपका जो CDK है वो हो जाएगा 1, ठीक है ना? तो भाई साहब देखो ये बन गया अब आपका जो है एक टेबल। अब आप इसको याद करने के लिए तो यहाँ से याद कर सकते हो, जो CDK है 6-4-2-2-1-1, ठीक है ना? हमने 5 भागों में मार दिया, G1 G1S S फेज, S G2 G2 M, यानी कि इसको बांट दिया हमने 5 भागों में। अब यहाँ पर DEAAV, ठीक है ना? दा, अब इसको आप कोई सा भी निमोनिक्स दे सकते हो, द एंटरटेनर एक्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है ना? द एंटरटेनर एक्टर अमिताभ बच्चन, तो लिख लेना यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको, द एंटरटेनर एक्टर अमिताभ है, ये वाला है कैसा, तो स्पेलिंग देख लेना भाई, अमिताभ की स्पेलिंग यही है कि अमिताभ बच्चन, ठीक है ना? अमिताभ बच्चन, ठीक है? तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। और जो आपकी एम एम फेज में होती है वहाँ पर आपका APC कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, APC कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, तो आप ये बात याद रख सकते हो, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई, आगे चल लेता हूँ भाई साहब आगे, तो मैं थोड़ा सा पीछे को चलता हूँ। अब मैं देख बताता हूँ आपको कुछ और नई नई बातें जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, तो सेल साइकिल आप जान चुके हो, चेक पॉइंट आपके कहाँ कहाँ पर लगे रहते हैं। तो देखो भाई साहब अगर मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करूँ, तो ये मैंने बना दी एक साइकिल, ये मैंने बना दी आपकी फेज, ठीक है ना? ये मैंने आपकी बना दी
फेज, देखो यार फेज तो आप आँख मीच के भी याद कर लो, ये आपकी कौन सी थी, एम फेज, जी वन फेज, एस फेज एंड ये आपकी जी टू फेज, ठीक है ना। ये थी जी टू फेज, एक चेक पॉइंट पाया जाता है आपका यहाँ पर। अब देखो मैंने आपको बताया ये जो ट्रांजिशन होता है यानी कि एक फेज से दूसरी जगह जाते हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, और जो मेन होता है मेन यहीं पर होता है, मेन चीज़ जो होती है मेन असल में यहीं पर आपका जो है सबसे ज़्यादा एफर्ट दिखाया जाता है। एक्चुअली देखो अगर ये जी वन में था तो चाहे चलो जैसे भी हो रहा हो रहा था, लेकिन जी वन से एस फेज में आ गया तो भाई डुप्लीकेशन अब होना है। डुप्लीकेशन होगा तो जब हमारा डुप्लीकेशन चल रहा होता है तब भी हमारा एक चेक पॉइंट काम करता है, ठीक है ना, तब भी हमारा एक चेक पॉइंट काम करता है। तो ये नंबर टू एंड यहाँ पर आपका नंबर थ्री, एंड जब आपका एस टू जी टू फेज जाएगा इसको बोलेंगे नंबर फोर, एंड आपका जब जी टू टू एम फेज जाएगा इसको बोलेंगे नंबर फाइव, एंड जब आपका एम फेज में मेटाफेज टू एन एफ फेज। एक्चुअली मेटाफेज में आपका देखा जाता है जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर आपके सही प्रकार से बने या फिर नहीं बने, ठीक है ना। दूसरी बात कि वो किस प्रकार से काइनेटोकोर पे लग रहा है, तो ये दो बात आपकी एम फेज में देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आपके नंबर सिक्स, याद रख लेना नंबर सिक्स कहाँ पर आपका होता है चेक पॉइंट, तो वो होता है एम फेज में। तो ये छह प्रकार के आपको जो है इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट मिलते हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ कि आपको जो इम्पोर्टेंट होते हैं, देखो पढ़ने तो सारे ही, अब हम वन बाई वन करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बेसिकली पाथवे क्या होते हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं, इनका पाथवे देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आइए पाथवे पर चलते हैं, इसको तो खैर हम इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, अभी वन वन वाइज वन वन करके हम ले करके चल रहे हैं। तो देखो अब हम देखेंगे बेसिकली ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, यानी कि आपका क्या हो रहा है जब आपका यानी कि जी वन से एस फेज के लिए जा रहा है एक ट्रांजिशन वो हो गया, जब आपका एस टू जी टू जा रहा है दूसरा ट्रांजिशन, जी टू एम जा रहा है तीसरा ट्रांजिशन, एंड आपका मेटाफेज टू एन एफ फेज जा रहा है नंबर फोर ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है एक फेज से दूसरी फेज में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कोड लिखा था कि आपके लिए देखो यहाँ पर, अब यार ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ पर आपको ये गंदी संदी राइटिंग ही समझनी पड़ेगी, और मैंने जो है अब ये तो है नहीं कि मैं इसको एक पेन उन पर लिख, मतलब कागज़ पर लिख के फ़ोटो डाल देता, वो भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो इसको आप समझ लेना, ठीक है ना, इसको आप समझ लेना। तो यहाँ पर देखो अब मैंने डी ई ए ए वी आपका कोड था, इसके हिसाब से ये प्रोटीन जो है आपकी लगने वाली है, ये प्रोटीन यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है ना। किसके लिए क्या होता है वो अब आप देख सकते हो, वो अब आप देख सकते हो कि कहाँ पर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो जी वन एस के लिए जब जी वन टू एस जाते हैं तो यहाँ पर आपको सी डी के टू एंड साइक्लिन ई की ज़रूरत पड़ती है, जब आप कहाँ पर जाते हो जी वन टू एस जाते हो तो सी डी के टू एंड साइक्लिन ई की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जब आप एस टू जी टू फेज जाते हो यहाँ पर आपको सी डी के वन एंड साइक्लिन ए की ज़रूरत पड़ती है। आप कोड लिख सकते हो, कोड का रिवीजन आप कर सकते हो। इसके बाद जब आप जी टू टू एम फेज जाओगे तो यहाँ पर आपको सी डी के वन एंड साइक्लिन बी आपको मिलती है। जब आप मेटा फेज टू एन एफ फेज जाओगे यहाँ पर आपको ए पी सी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कि आपका सी डी सी ट्वेंटी एंड सी डी एच वन होता है। एक्चुअली ये सी डी सी ट्वेंटी एंड सी डी एच क्या होता है, तो ये जो होती है ये आपकी अटैचमेंट प्रोटीन होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ए पी सी की एसोसिएटेड प्रोटीन होती है वे दो प्रोटीन होती है, एक होती है आपकी सी डी सी ट्वेंटी, याद रख लेना कौन सी, सी डी सी ट्वेंटी एंड सी डी एच वन, सी डी एच वन। इन दोनों का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है, इस बात को भी समझ लो, ठीक है। तो हम अपना इसी से स्टार्ट करते हैं, जी वन टू एस फेस से, ठीक है ना, जी वन टू एस फेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होता क्या, जब आप जी वन टू एस फेस जाते हो तो यहाँ पर आपका ये पहले इससे पहले आप पाथवे समझ लो, तो क्यों चूँकि आपकी आपको पाथवे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा स्टॉप हो गया था,
एक सेकंड रुको भाई साहब, मुझे थोड़ा सा समय दो। अब सही है, हमने अपने आप को जो है छोटा कर लिया। तो देखो हुआ क्या वो देखो यहाँ पर, कि आपके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी स्टार्टिंग में, क्या थी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी। बात कहाँ पर कर रहे हैं हम, जब आपका G1 से, याद रख लेना, G1 से जब आपका कहाँ पर जाते हैं, G2 में जाते हैं, ठीक है ना, G1 से G2 में जाते हैं, ठीक है। तो G1 के अंदर आपका क्या होता है, G1 के अंदर आपके दो प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है आपका RB, दूसरा होता है आपका E2F। RB मतलब रेटिनो ब्लास्टोमा। ये रेटिना ब्लास्टोमा क्या करता है, ये E2F को वाइंड करके रखता है, यानी कि इलोंगेशन टू फैक्टर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इलोंगेशन टू फैक्टर, जो कि एक्चुअल में सेल साइकिल की ज़रूरत होती है, ठीक ना, सेल साइकिल की ज़रूरत होती है। यानी कि जब आपका जी से एस फेज में जाएगा, तो यहाँ पर जो ये RV यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा ने जो E2F को बांध करके रख रखा है, एक्चुअल में ये फ्री फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम जी जब 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 इसका जो पाथवे देखेंगे, तो हम उसमें यही देखने वाले हैं कि ये जो आपका RV होता है, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ये E2F से किस प्रकार से अलग होगा, ठीक है ना, किस प्रकार से अलग होगा, वही हम पाथवे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, ये कहाँ पर प्रेजेंट है आपका G1 फेज में, ये कहाँ पर प्रेजेंट है G1 फेज में। अब देखो, अब आप थोड़ी सी एक बात और समझ लो, कि अगर आपका RV जो है, अगर एक्टिव है, RV एक्टिव है, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा अगर एक्टिव है, तभी तो इसने G2F को पकड़ के रख रखा है, तभी तो इसने क्या कर रखा है, G2F को पकड़ के रख रखा है, जब ये एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। बट अब हमें E2F को फ्री करवाना है, E2F को फ्री करवाना है, तो हमें RV को देने पड़ेंगे कुछ पैसे, हमें RV को क्या देने पड़ेंगे, हमें RV को देने पड़ेंगे कुछ पैसे, यानी कि इसका फास्फोराइलेशन करवाना पड़ेगा, इस RB का फास्फोराइलेशन करवाना पड़ेगा, इसको खरीदना पड़ेगा RB को, यानी कि इसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको फास्फोराइलेटेड करवाते हैं, याद रख लेना, क्या करवाते हैं, फास्फोराइलेटेड करवाते हैं। जैसे ही फास्फोराइलेटेड हमने इसको करवाया, वैसे ये E2 को छोड़ देगा, यानी कि एक प्रकार से इस RV ने E2F को किडनैप करके रख रखा था, ठीक है ना, किडनैप करके रख रखा था, और ये उस समय अपनी एक्टिव फॉर्म में था। उस समय कैसा था, इसके पास बंदूक भी थी, इसके पास लोकेशन भी थी, सब चीज़ थी, ठीक है ना। तो अब हमें E2F की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी, ठीक है ना। तो अब हमारे शरीर में क्या होगा, कि एक पाथवे चलेगा, जिस पाथवे में क्या होने वाला है, E2F जो है सब अलग होगा। तो वो जो पाथवे आपका चलेगा, तो उस पाथवे में आपका क्या होगा, जो RB है उसको खिलाया जाएगा पैसा, यानी कि उसको फॉस्फेट दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसको जब फॉस्फेट दिए जाएंगे, तो ये E2F को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। और जैसे ही आपका E2F रिलीज होता है, यहाँ पर आपका G से S में साइकिल जो है वो चली जाती है, यानी कि G1 टू S ट्रांजिशन हो जाता है, और सेल साइकिल आपकी आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना, सेल साइकिल आपके आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अब आपके कुछ रिजल्ट आते हैं, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो RB जो होती है एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, RB क्या है, आपकी एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, इस बात को आपको याद रखना, यानी कि इसने जो है वो G1 टू S में जाने से रोक रखा है, यानी कि G1 टू S ट्रांजिशन को रोक करके रख रखा है, ठीक है ना। जब RV एक्टिव थी, देखो यहाँ पर RV यहाँ पर एक्टिव है, तो कोई डिवीजन यहाँ पर नहीं होता, मतलब नो डिवीजन। बट यहाँ पर जैसे ही RV इनएक्टिव हो गई, तो यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर डिवीजन क्या हो गया, वो स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। E2F में जैसे ही गया, G1 टू S जो है वो अब आपका चला जाएगा, G1 S चला गया, यानी कि फिर आगे आपकी साइकिल जो है प्रोसीड कर जाएगी। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात थी। तो यहाँ पर देखो, हम अब कुछ और लिख सकते हैं, यानी कि एक तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि RV यानी कि RV जो है था, जब हमारा अनफास्फोराइलेटेड था,
तो बताइए सेल साइकिल ग्रो करेगी या मतलब सॉरी सेल साइकिल जो है आगे प्रोसीड करेगी या फिर नहीं करेगी, अनफॉस्फोराइलेटेड। तो मुझे आप इसका जवाब दो, क्या सेल साइकिल आगे जाएगी या फिर नहीं जाएगी जब वो अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है। अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में क्या सेल साइकिल ये आगे जा पाएगी? तो आप कहोगे कि नो सर, जिसका नो है वो सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर फास्फोराइलेटेड का मतलब यहाँ पर आपका आरबी कोई फास्फोराइलेटेड नहीं है, यानी कि आरबी जो आपका एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद सवाल आता है कि अगर हम आरबी को पार्सली पार्सली फास्फोराइलेटेड कर दें, यानी कि इसको अगर हम हाफ पैसा दे दें, यानी कि पार्सली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पार्सली फास्फोराइलेटेड, एक्चुअली मैं देखो यहाँ पर पूरा नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास है माउस फास्फोराइलेटेड, ठीक है ना, फास्फोराइलेटेड पार्सली फास्फोराइलेटेड। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सेल डिवीजन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, इसका आंसर है यस, जिसने यस दिया तो वे सही हैं। यस किस प्रकार से कि यहाँ पर अगर जो आपका आरवी है वो पार्सली भी फास्फोराइलेटेड है तब भी आपका ई टू एफ जो है अलग होने की कोशिश करेगा, एंड आपका किस प्रकार से अलग होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो याद रख लेना आरबी अगर आपका पार्सली फास्फोराइलेटेड है तब भी यहाँ पर सेल डिवीजन करेगी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जब आपका आरबी कम्प्लीटली फास्फोराइलेशन है तब तो सेल साइकिल यहाँ पर ग्रो यानी कि सॉरी सेल साइकिल यहाँ पर आपका डिवीजन करने ही वाली है, यानी कि इसका आंसर भी होने वाला है यस, ठीक है ना, इसका आंसर भी होने वाला है यस। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर याद रख लेना ये पार्सली फास्फोराइलेशन का जो जो है आपका कॉन्सेप्ट है उसको याद रख लेना। अब यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन वो ये है कि बताइए अगर सेल साइकिल का यहाँ पर डिवीजन नहीं होता, यानी कि नो सेल साइकिल डिवीजन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नो डिवीजन, अगर यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ा रहा मैं अब आपको, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर, मतलब नो डिवीजन, यहाँ पर कोई भी आपका डिवीजन नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पर कोई सा भी डिवीजन नहीं हो पा रहा इसका मतलब क्या होने वाला है कि जो सेल है सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल का जो साइज है याद रख लेना जो सेल का साइज है वो इंक्रीज होता है, ठीक ना, अगर सेल कोई भी डिवीजन शो नहीं कर रही है तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपका जो सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है तो सेल का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, यानी कि डिवीजन हो रहा है तो भाई साहब उसने एक बड़े सेल से अब ये दो सेल में जब बटेगा तो यहाँ पर ये दो सेल बनाएगा, यानी कि सेल जो है अब सेल का साइज छोटा हो रहा है अगर डिवीजन हो रहा है तो। तो देखो अब तीनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा कर दे कि तीनों को एक ही स्टेटमेंट में आपका फॉर्म जो है आपको बना करके दे दें, आरवी अनफॉस्फोराइलेटेड फॉस्फोराइलेटेड सेल का साइज आपको दे दिया जाएगा, एक्टिव इनएक्टिव दे दिया जाएगा। तो अब आप प्रिपेयर्ड रहना कि G1 to S फेज में आपका किस प्रकार से रेटिना ब्लास्टोमा जो है काम कर रही है, ठीक है ना, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब बढ़ते हैं इसके जो है किस प्रकार से इसका पाथवे होता है G1 to S ट्रांजिशन पे, ठीक है ना, G1 to S ट्रांजिशन पे। स्टार्टिंग में क्या होता है आपके रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये रिसेप्टर है। तो बाहर से कोई भी इस रिसेप्टर के लिए क्या आएगा, लिगेंड आएगा, बाहर से क्या आने वाला है, लिगेंड आने वाला, मान लो वो ग्रोथ फैक्टर है, यानी कि अब सेल को लगा कि यार G1 से जो है मैंने काफ़ी सारी ग्रोथ कर ली है, अब मुझे G1 से जो है S फेज में चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ग्रोथ फैक्टर आएगा जो कि लिगेंड की तरह काम करेगा, जैसे ही ये ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर अटैच होगा तो ये जो आपके रिसेप्टर है ये डाइमराइजेशन कर लेंगे,
ये क्या कर लेंगे, डाइमराइजेशन कर लेंगे, और यहाँ से एक प्रोटीन फास्फोराइलेटेड होती है जिसको बोलते हैं GRB2, ठीक है ना, GRB2। और ये जो GRB2 होती है रैस मैप काइनेज पाथवे को एक्टिव कर देती है। अब ये रैस मैप काइनेज पाथवे क्या होता है इसको हम यूनिट नंबर 4 में समझेंगे, ठीक है ना। अभी खाली आप ये याद रख लेना कि यहाँ पर आपका रैस मैप काइनेज पाथवे एक्टिव हो जाता है। अब ये रैस मैप काइनेज पाथवे क्या होता है, यहाँ ये जो है एक्टिव कर देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, इसको TF को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अब जाएगा न्यूक्लियस के पास, ठीक है ना, ये जाएगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में ये जीन जो है जीन को बनाएगा। अब जैसे ही इसने न्यूक्लियस के पास गया ग्रोथ फैक्टर, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के पास चला गया, अब न्यूक्लियस कहेगा कि हाँ यार अब आगे जाने का समय आ गया है, अब जो है G1 to S हमें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ से जो है ये जो है ऑन हो जाएगा, यानी कि इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने इस जीन को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर G1 के लिए CDK46 जो है एक्टिव हो जाएगा। CDK46 किससे एक्टिव हो रहा था, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ पर जीन ऑन हुआ इसने बनाया साइक्लिन डी, और साइक्लिन डी एक्टिव कर देती है CDK46 को, किसको करेगी, CDK46 को, ठीक है ना। ये यहाँ पर साइक्लिन ने इसको एक्टिव कर दिया है, और एक्टिव करने के बाद ये राइबो जो आपके रेटिनोब्लास्टोमा है इसको पार्शली फॉस्फोराइलेटेड करती है। इसको क्या करती है, पार्शली फास्फोराइलेटेड करती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। CDK46 ने जो आपका RB था इसको पार्शली फास्फोराइलेटेड करा, पार्शली फास्फोराइलेटेड करने के बाद अब आपका क्या कर काम होगा कि आपका जैसे ही G2 to S फेस, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था G2 to S फेस ट्रांजिशन के लिए भी एक दूसरी प्रकार का CDK पाया जाता है जिसको बोलते हैं CDK2, इसको एक्टिव करता है साइक्लिन ई, ठीक है ना, इसको एक्टिव करेगा साइक्लिन ई। और ये जो CDK2 है ये डायरेक्ट जा कर के इस रेटिनोब्लास्टोमा पे जो है वो असर करेगा, और इसको कम्प्लीटली फास्फोराइलेटेड कर देगा, इसको कम्प्लीटली फास्फोराइलेटेड कर देगा। और फास्फोराइलेटेड करने के बाद जो E2F है, ये वाला E2F, ये बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो RV जो है वो फास्फोराइलेटेड हो गया, ठीक है ना, RV फास्फोराइलेटेड हो गया, और ये कैसा हो गया नेचर में, इनएक्टिव, ये कैसा हो गया नेचर में, इनएक्टिव हो गया है, यानी कि फास्फोराइलेटेड हो गया, ये कैसा हो गया, इनएक्टिव। यहाँ पर E2F जो है एक्टिव होगा, E2F एक्टिव होने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये जो है अब जो है जीन को बनाएगा जो कि G1 से S1 में जो है ट्रांजिशन को शो करेगा, यानी कि जैसे ही E2F बना यहाँ से आपका G1 टू S का ट्रांजिशन हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ, G1 टू S का ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप लिखना चाहूँ, ये 1 स्टेप, ये आपका 2रा स्टेप, ये आपका 3रा स्टेप, ये आपका 4था स्टेप, ठीक है ना, ये आपका नंबर ऑन होने वाला 5वां स्टेप, इसको मैं 6ठा स्टेप कर देता हूँ, एंड ये आपका 7वां स्टेप, फिर इसके बाद आपका 8वां स्टेप, ये आपका G2 to S है, ठीक है ना, 7वां, एंड एक्टिवेशन ऑफ CDK आपका हो जाएगा 9वां, ठीक है ना, यहाँ पर ये मान लो आप नंबर 9 स्टेप, ठीक है ना, नंबर 9 स्टेप, एंड ये आपका कम्प्लीटली फास्फोराइलेशन, ये हो जाएगा 10 स्टेप, E2F अलग हुआ, ये हो जाएगा 11वां स्टेप, ये जो है जा कर के आपका ट्रांजिशन करवा देगा। तो 11 स्टेप हो रहे हैं। अब देखो इसको मैंने लिखा नहीं है, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखता तो काफ़ी टाइम लग जाता। इसको आप नॉर्मल भी समझ सकते हो, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इसको आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता लगी, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो ह्यूमन के अंदर तो RV रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा होता है, बट यहाँ पर कभी कभी ईस्ट में भी पूछ लिया जाता है, तो ईस्ट में याद रख लेना RV के जो कंपेयर करेंगे तो ईस्ट के अंदर होता है WHI5
ठीक है ना, WHI 5, E2F जो होता है SVF के जैसा होता है, साइक्लिन डी के लिए CLN 3 एंड साइक्लिन ई के लिए CLN 1 एंड CLN 2 पाया जाता है। यानी कि ह्यूमन के अंदर तो ये वाली प्रोटीन पाई जाती है और यीस्ट के अंदर ये वाली प्रोटीन पाई जाती है, जिनका काम जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है, जो काम रेटिनोब्लास्टोमा कर रही है ह्यूमन के अंदर, वही काम यीस्ट के अंदर WHI 5 करने वाली है। तो इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद अब हम चलते हैं S2G2 ट्रांजिशन, ठीक है ना, S2G2 ट्रांजिशन अब हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका V1 पाया जाता है जो कि इनहिबिटरी काइनेज है, सैक होता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं CDK एक्टिवेटेड काइनेज, यानी कि एक्टिवेटिंग नेचर रखता है, और CDC25 फॉस्फेट, ये आपका फॉस्फेटेज जैसा नेचर रखता है, CDK1 जो कि आपका एक्टिव नेचर रखता है, ठीक है ना, इसको देख लेना। जो वी होता है वो टायरोसिन एंड थ्रियोनिन पे काम करता है, किस पे काम करेगा, ये आपका CDK पे काम करेगा, याद रख लेना, ठीक है ना। जो वी होता है CDK पे काम करता है, आपका किस पे काम करेगा, जो आपका थ्रियोनिन एंड टायरोसिन होता है वहाँ पर, थ्रियोनिन के 14वें यानी कि नंबर 14 अमाइनो एसिड पे, एंड आपके जो टायरोसिन होता है उसके 15वें अमाइनो एसिड पे काम करने वाला है। जबकि सैक जो होता है वो काम करेगा 161 थ्रियोनिन पे, और जो CDC25 होता है ये काम करता है फास्फेटेज पे, ये क्या काम करता है, ये सॉरी CDC25 ये काम करेगा फास्फेटेज का, और फास्फेटेज में क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जो आपका फास्फेटेज होता है वो किस लिए होता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और ये किसको रिमूव करेगा, तो जो आपका थ्रियोनिन फॉस्फेट है एंड टायरोसिन फॉस्फेट है उसको, जो कि आपके 14वें नंबर अमाइनो एसिड पे है। यानी कि एक प्रकार से ये जो है अंगेंस्ट में काम करता है, किसके, आपके जो है V1 के, ठीक है ना, V1 के काम करेगा CDC25। इसके बाद CDK1 आता है जो कि सेल साइकिल को यानी कि आपके CDK को एक्टिव कर देता है, और याद रख लेना इस एस फेज में CDC25A काम करता है, ठीक है ना। ये CDC25 दो प्रकार के होते हैं, ए एंड सी, तो यहाँ पर CDC25 जो है काम करता है। तो भाई साहब देखो अब इसका आगे ये चीज़ याद कर लेना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पाथवे देख लेते हैं। जब जी आपका S2G2 फेज जाएंगे तो यहाँ पर CDK1 एंड साइक्लिन काम करने वाली है आपकी। यहाँ पर CDK1 एंड साइक्लिन अलग अलग थी, यहाँ पर अब एक हो जाती है क्योंकि इनको G2S2 फेज जाना है, यहाँ पर CDK1 आ जाती है और साइक्लिन ए को मैंने CA लिखा है। यहाँ पर V1 आता है स्टार्ट में, V1 क्या काम करता है, इनहिबिटरी का काम करता है, जो कि CDK1 एंड CA को जो है इनएक्टिव कर देता है। एक्चुअल में ये पहले से, यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो CDK1 एंड CA जो रहता है यहाँ पर मिलने के बाद भी ये इनएक्टिव शो करते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव ही होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन पे जो है फॉस्फेट अभी तक नहीं लगा हुआ होता, इनको एक फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में ही बी आ जाता है, बी जो है दो जगह फॉस्फेट यहाँ पर इसको शो करता है, एक तो T40 पे, एक आपका Y15 पे, ठीक है ना, यानी कि थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, CDK पे करता है ये V1 और इसको कर देता है ये स्टॉप, इसको कर देता है स्टॉप। फिर इसके बाद सैक आता है जो कि आपका क्या होता है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, ये भी एक्टिवेशन करता है और ये CDK1 को आपका T161 यानी कि 161 पे फॉस्फेट कर देता है। फिर इसके बाद CDC25A आता है, याद रख लेना CDC25A आता है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि रिमूव कर देती है किसको, आपका टायरोसिन एंड आपका थ्रियोनिन को, जो कि वी ने यहाँ पर शो किया था। यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही ये आपका यहाँ से रिमूव होता है, ये CDK1CA जो है एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होने के बाद मैचुरेटिंग प्रोमोटिंग फैक्टर जो है एक्टिव हो जाता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस के पास जाता है, न्यूक्लियस में अब जो है जीन का फॉर्मेशन होता है यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि S2G2 ट्रांजिशन करवा देता है। तो इस चीज़ को याद रख लेना,
इसके बाद जी टू एम भी आपका सेम होता है जिस प्रकार से आपका एस टू जी टू होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है कि आपकी साइक्लिन सी डी के वन एंड साइक्लिन ए पाया जाता, बट यहाँ पर सी डी के वन एंड साइक्लिन बी पाई जाती है। तो आपको केवल और केवल चेंज करना है कहाँ पर आपका साइक्लिन एंड सी डी के वन में। यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि अगर मैं इसका पाथवे बनाना चाहूँ तो ये सी डी के वन एंड साइक्लिन स्टार्टिंग में क्या था, अलग अलग पड़े हुए थे, ठीक ना, अलग अलग पड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये जो है ज्वाइंड होंगे, ज्वाइंड होने के बाद ये अब इस प्रकार से दो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा, बड़ा वाला सी डी के वन है एंड छोटा वाला साइक्लिन बी है, ठीक है ना, साइक्लिन आपका वी है। तो इतनी बात देख लेना, तो स्टार्टिंग में आपका आने वाला है कौन, वी वन आपका आएगा। ये इसको क्या करेगा, ये इसको फास्फोराइलेटेड करवा देगा दो जगह, टी फोर्टी एंड आपका Y15 पे, कहाँ पर Y15 पे। फिर इसके बाद आपका एक और आपका प्रोटीन आएगी जिसको बोलेंगे हम सैक, यानी कि सी डी के एक्टिवेटिंग काइनेज, जो कि इस सी डी के को, ये जो बड़ा वाला है ये सी डी के है, इसको एक जगह और आपका फास्फोराइलेटेड करवा देगा, जो कि आपका कहाँ पर थ्रियोनिन 161 होगा, इस बात को याद रख लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर एक इसको इस वी वन को रिमूव करने के लिए एक और आएगा, यहाँ इसको बोलेंगे सी डी सी ट्वेंटी फाइव सी, ठीक है ना, एम फेज के लिए याद रख लेना। CDC 25C यहाँ पर आता है, क्या आता है, CDC 25C आता है। CDC 25 क्या होगा, यहाँ पर ये जो V1 का ये जो आपका थ्रियोनिन एंड टायरोसिन था, इसको क्या है, इसको हटा देता है। तो यहाँ पर अब बचता क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ T14 एंड आपका Y15 को ये यहाँ से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर अब आपका क्या होता है, यहाँ पर अब आपका बचता है थ्रियोनिन 161, ठीक है ना, 161 बनता है और ये अब एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से मैचुरेटिंग जो फैक्टर बना है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिव कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव होकर के न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये क्या काम करता है, ये यहाँ से फॉर्मेशन करा देता है एक जीन का, जो कि क्या काम करता है, G22M फेज में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर पहुँचते हैं आप मेटाफेज टू एनाफेज कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है ना, मेटाफेज टू एनाफेज कॉम्प्लेक्स पे फिर हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका APC पाया जाता है, यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के लिए दो प्रोटीन की एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। पहली होती है आपकी CDH1, दूसरी होती है आपकी CDC20, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखो, जब ये APC जो होता है अलोन होता है, जब ये अलोन होता है तब ये इनएक्टिव फेज में रहता है। ये कैसा रहता है, इनएक्टिव फेज में रहता है। बट CDC20 एंड CDC1 जब इस पे आकर के काम करती है या फिर जब इससे अटैच होती है तब ये एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर ये जो है, अगर मैं CDC1 एंड आपका CDC20 को इसके ऊपर लगा दूँ तब ये एक्टिव हो जाता है और ये काम करता है UV लाइगेशन की तरह, यानी कि UV लाइगेज काम करता है। आई होप आपको UV लाइगेशन पता हो। UV लाइगेशन क्या करते हैं, जो कि आपका स्पेसिफिक प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, कोई सी तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी, वो अब आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो CDH1 है ये साइक्लिन बी का जो है UV क्वाइटिनेशन करवा देता है, यानी कि इसको डिग्रेडेशन करवा देता है। यानी कि देखो, साइक्लिन बी का इफेक्ट केवल और केवल आपको एम फेज तक ही देखने को मिलने वाला है, इससे ये सिद्ध होता है, ठीक है ना, इससे ये सिद्ध होता है। इसके बाद CDC20 जो होती है, CDC20 क्या काम करेगी, CDC20 दो प्रोटीन आपके जो है पाई जा रही हैं पहले से ही, किसके अंदर, आपके एम फेज के अंदर, ठीक है ना, एम फेज के अंदर, नाम क्या है, सैक्यूरिन एंड सेपरेट। बट इन ये क्या है कि ये जो है अटैच है एक दूसरे से, ये क्या है, ये आपके अटैच हैं, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा
सॉरी यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा, तो ये जो CDC 20 है ये इनको सेपरेट करेगा, ये इनको क्या करने वाला है, ये इनको यहाँ पर सेपरेट कर देगा, यानी कि सेक्यूरिन अलग सेपरेज अलग। सेक्यूरिन जैसे ही सेपरेट होगा यहाँ पर यूवी क्वाइटिनेशन हो जाएगा, यानी कि इसका भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है, इस प्रोटीन का भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है। जैसे ही इस प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पर सेपरेज नाम की जो प्रोटीन है वो आपकी अब आपकी क्या होने वाली है, वो फ्री हो जाएगी, और फ्री होकर के ये हो जाएगी एक्टिव, याद रख लेना सेपरिन। और मैंने आपको बताया था कि आप जब मेटाफेज टू एनाफेज जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं स्पिंडल फाइबर से लगे हुए, वे एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। तो देखो भाई साहब, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, मैं आप थोड़ा सा आपको आगे लेके चलने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर देखो लेक्चर तो लंबा हो गया बट क्या करें यार, हमारी भी मजबूरी है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर M2A जाना होता है, M2A जाना होता है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, ठीक है। और इसके इसके ये जो आपका साइडों में सेंटर पे मिलेगा इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, इसको क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आपकी आ जाती है कि देखो भाई साहब, यहाँ पर एक और प्रोटीन मैंने आपको बताई थी कि एक और प्रोटीन लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं कोहेसिन, जिसको बोलते हैं कोहेसिन प्रोटीन, अगर आपको पिछला लेक्चर याद आ रहा होगा। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था के कंडेंसिन प्रोटीन जो रहती है वो यहाँ की प्रोटीन को हटा देती है, बट जो प्रोटीन सेंटर में लगी हुई होती है उसको नहीं हटा पाती कंडेंसिन। तो यहाँ पर अगर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे तो काइनेटोकोर से अटैच नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर किससे अटैच होंगे, कोहेसिन से अटैच होंगे। अगर कोहेसिन से अटैच हो गए तो भाई साहब आपका जो है फिर क्या होने वाला है, इस प्रकार से मतलब जो सेपरेशन है, जो सेपरेशन है ना फेज में जो सेपरेशन होता है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जो ये कोहेसिन है इसको हटाया जाता है, और इसको हटाने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं सेपरेज प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, सेपरेज प्रोटीन। जैसे ही सेपरेज प्रोटीन आती है ये इस जो कोहेसिन लगा हुआ है इस कोहेसिन को हटा देती है, ठीक है ना, कोहेसिन को हटा देती है। और जैसे ही कोहेसिन यहाँ से आपका हटता है, हटने के बाद अब आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो काइनेटोकोर्स है वो अब आपका आकर के अटैच होगा, यानी कि इस प्रकार से आपका अटैच होने वाला है, और इसको ये खींच लेगा, इसको क्या कर लेगा, ये खींच लेगा, ठीक है ना। तो ये जो सेपरेज प्रोटीन है, ये जो आपकी सेपरेज प्रोटीन है ये कहाँ पर है, ये रही आपकी सेपरेज प्रोटीन, और ये सेपरेज प्रोटीन एक्टिव होगी, यानी कि यहाँ पर जो कोहेसिन बना हुआ था, याद रख लेना, ये कोहेसिन का अगर पूरा नाम बताऊँ, कोहेसिन SMC13, कोहेसिन SMC13, जबकि जो आपकी कंडेंसिन होता है, जो आपकी कंडेंसिन होती है ये वाली, इस पे जो इसका पूरा नाम है SMC24, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कोहेसिन को देखना है जिसका नाम है कोहेसिन SMC13, जो कि यहाँ पर सेपरेज आएगा तो इसको इनएक्टिव कर देगा, इसको क्या कर देगा, इनएक्टिव। जैसे ही इनएक्टिव कर देगा अब डायरेक्ट स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर आकर के अटैच होंगे, तो यानी कि आपका क्या होने वाला है, दोनों की तरफ वो खिंच जाएगा, ठीक है ना, दोनों तरफ खिंचने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेटाफेज टू एनाफेज इस प्रकार से जाया जाता है, जैसे ही आपका जो है ये सेपरेज अलग हो गया, यानी कि यहाँ पर ट्रांजिशन हो जाएगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो देखो जीवन में कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं आपके, ATR, ATM, ATM, ATX भी होता है, जो कि बेसिकली क्या देखते हैं, किसी भी एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, किसी भी एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, इस सारे चीज़ों को पढ़ेंगे हम आपका कहाँ पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो आपको कोई भी मतलब यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो ये आपके जो है नॉर्मल फेज लिखी हुई है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एम फेज में क्या होता है, जी नोट में क्या होता है, आपके जीवन में रेस्टिंग यानी कि कौन सी फेज में क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, टाइमिंग बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, इससे पिछली वाली यूनिट में। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद आपका साइक्लिन एंड CDK के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लियो, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ये आपको साइक्लिक दिखा रखी है कि कहाँ पर आपका कौन सी साइक्लिन पाई जा रही है, कौन सा आपका CDK पाया जा रहा है, ठीक है ना।
तो इतनी बात आप याद रख लेना, ये इस प्रकार से लिखी हुई है, मैंने इसको आपको जो है टेबल में भी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद इस पे आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि PI3 क्या होते हैं, आपका पेंट क्या होता है, लैस क्या होता है, ERK क्या होता है। तो जब हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद देखो क्या होता है, मैंने अब आपको बता तो दिया ही है कि कौन कौन सी फेज होती है, बट अरेस्टिंग जो आपके इनहिबिटर होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, रेटिनोमा ब्लास्टोमा होते हैं, INK4 होते हैं, CI जैसे P27 हो गया, P57, P21, P16 हो गया, V1 काइनेज एंड SYK, ठीक है ना। ये आपके क्या करते हैं, ये बेसिकली अरेस्टिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। एक्टिवेटर कौन कौन से होते हैं, आपके CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, ठीक है ना, इसके फुल फॉर्म CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, जो कि आपका CDC25 होते हैं, जो कि फॉस्फेटेज का काम करते हैं। और याद रख लेना ये CDC25 जो है AC, इनको AC में बांटा जाता है। C जो होता है आपको G22M फेज में आपको नज़र आता है, जबकि जो A है, जो आपका A है, ये आपको कहाँ पर नज़र आएगा, जब आप S2G2 फेज में जाओगे तब नज़र आएगा, ठीक है ना। Meta2NF फेज में आपको APC कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ठीक है ना, जिसकी दो एसोसिएट प्रोटीन होती है, एक होती है आपकी CDC20 एंड दूसरी होती है आपकी CDH1, ठीक है ना, CDH1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद एक लास्ट एक्सपेरिमेंट बचता है, जो कि होता है राव एंड जॉनसन न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। राव एंड जॉनसन ने इसके बारे में दिया था, तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि मान लो आपकी जो है एक थी एस फेज की साइकिल, ठीक है ना, एक आपकी, अब आपकी दो साइकिल को जो है आपस में फ्यूज कराया जाएगा, ठीक है ना, और वे अलग अलग फेज की हो सकते हैं, वे अलग अलग फेज की हो सकती हैं। तो देखो, जब आपकी एक साइकिल एस फेज की थी एंड दूसरी साइकिल आपकी G1 फेज की थी, जब यहाँ पर आपके दोनों को फ्यूज कराया गया, तो जो आपका रिजल्ट मिला, तो ये तब्दील हो गया आपका एस फेज में, ये तब्दील हो गया आपका एस फेज में। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, कि जब आपका एक साइकिल आपकी एस फेज में, दूसरी साइकिल आपकी G2 फेज में थी, जब इनको फ्यूजन कराया गया, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका जो है दोनों अलग अलग साइकिल पाए जाने, मतलब जो जब फ्यूजन हुआ तो दोनों आपकी जो है अलग अलग जगह पर जानती, यानी कि वहाँ पर अब आपका एस फेज भी होने वाला है एंड G2 फेज भी होने वाला है। इसको कलर से पहचानो, ठीक है ना, कलर से पहचानो। इसके बाद G1 G2 फेज को जब आपका जो फ्यूजन करवाया गया, तो आपको जो है दोनों की दोनों साइकिल जो है अलग अलग मिलने वाली हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट फेज मतलब आपका जो भी, या तो अगर G1 हो, S हो, या फिर G2 फेज हो, जब इसको M फेज के साथ आपका जो फ्यूजन करवाया गया, तो दोनों की दोनों किस में कन्वर्ट हो गई, M फेज में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना। दोनों की दोनों किस में कन्वर्ट हो गई, आपका M फेज में कन्वर्ट हो गई है। अगर मैं आपको इसको समझाने की बात करता हूँ, तो देखो भाई साहब किस प्रकार से वो समझो, ठीक है ना, किस प्रकार से वो समझो। कहीं मैं खाली पेज ले लेता हूँ एक आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर ये रहा। तो देखो क्या हुआ कि आपकी दो अलग अलग सेल ली गई, एक थी आपकी S, पहला लिया गया S को, एक थी आपकी S एंड दूसरा लिया गया आपका G1, ठीक है ना, दूसरा लिया गया G1। जब इन दोनों को फ्यूज कराया गया, यहाँ पर मैं पॉजिटिव का निशान लगा देता हूँ, जब इनको फ्यूज कराया गया, तो आपको क्या मिलने वाला है कि आपकी जो दोनों की दोनों साइकिल थी वे किस में पहुंच गई, आपकी एस फेज में पहुंच गई, ठीक है ना। आपका जॉन एंड आपका जो राव थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया दो सेल को लेकर के, तो जो रिजल्ट आया, वे जब एस को एंड G1 को लिया, तो ये कहां पर पहुंच गई, एस एंड एस फेज में। सेकंड इन्होंने क्या काम किया कि एक लिया आपकी एस एंड एक लिया आपकी G2 साइकिल, ठीक है ना, यानी कि दो सेल लिए जो कि एस फेज एंड G2 फेज में था। जब इनको फ्यूज कराया गया, तो यहाँ पर दो ही कंडीशन मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको S भी अलग मिलेगा एंड G2 भी यहाँ पर अलग मिलने वाला है। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पर इन्होंने G1 को लिया प्लस G2 दो साइकिल को यहाँ पर इन्होंने लिया, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने पाए, वे रिजल्ट क्या पाए कि G1 आपका अलग एंड आपका G2 अलग, ठीक है ना, ये आपको अलग अलग मिलने वाला है।
इसके बाद नंबर फोर पे क्या काम किया, इन्होंने जो है इंटरमीडिएट यानी कि उसमें G1 हो सकता है, S हो सकता है या फिर आपका G2 हो सकता है, कोई सी भी एक साइकिल यहाँ से उठा ली, प्लस जो M फेस थी, जो M फेस थी उसको ले लिया। तो अब रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो अब देखो यहाँ पर जो दोनों की दोनों साइकिल होंगी वे कन्वर्ट हो जाएंगी अब आपकी M साइकिल में, ठीक है ना, वे कन्वर्ट हो जाएगी M साइकिल में। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये एंड ये दोनों स्टेप पूछ ले जाते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछ ले जाता है, राव एंड जॉनसन का एक्सपेरिमेंट, तो आपको इसको याद रखना है। तो आई होप गाइज लेक्चर आपको जो है पसंद आया होगा, इसमें मैंने कम्प्लीट आपको बता दिया है, मेरी लास्ट में आकर के थोड़ी स्पीड बढ़ गई है, बट इसको आप अपनी तरफ से समझ लेना और इसको इस लेक्चर को एक से दो बार देख लेना। यहीं पर आपकी जो है सेल बायोलॉजी की यूनिट समाप्त होती है, और अब आपसे मिलेंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए दोस्तों, ठीक है ना, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।